आगे ज़िंदगी तो निकालनी है, तो शादी तो करेंगे ही। तो हमारी फिर बातचीत भी बढ़ी, तो मैंने इनको जस्ट ऐसे ही पूछा कि आप मेरे बारे में क्या राय रखती हो। तो इन्होंने बताया कि मेरी कुछ शर्तें हैं, शर्तें मतलब बहुत सारी डिफरेंसेस थे एक्चुअली हमारे। ये मैरिड थी, मैं अनमैरिड था, एज डिफरेंस भी है। कितना एज डिफरेंस कितना है? मैं इनसे 7 years एल्डर हूँ। ओके, 7 साल से बड़ी हैं आप। ओके, हमारी पहचान थी एक दूसरे से, पर जैसे शादी के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि डिफरेंस इतना है, ये मेरे से इतने छोटे, मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस, अपना बैगेज एक रहता है कि जो एक्सपीरियंस जैसे इन्होंने शेयर किया कि वो एक डर और वो सारी चीजें, उनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं कि कभी कोई लड़की से भी डील किया हो, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे कि चलो मैं पूरी तरीके से ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करनी है, पर अगर हम करना भी चाहे तो ये कैसे वर्कआउट होगा। राइट, क्या 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 चीजें थी वो, मतलब और क्लियर करके बताइए ना, जैसे कि एक उम्र थी, एक बच्चा था, एक ये कि पहली बार अनमैरिड तो थे लेकिन उनका कभी किसी गर्ल के साथ डीलिंग ही नहीं था। हाँ, मतलब कभी अफेयर या गर्लफ्रेंड या ऐसा भी नहीं था, तो एक ये डिफरेंस था। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, हम दोनों कैसे डील करेंगे पर्सनली भी, मेरा बेटा क्या चाहता होगा, मतलब उसको कैसा लगेगा, तो कैसे हम ये निभाएंगे, मुझे एक बड़ा, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा था। वो इतने सारे डिफरेंसेस जो थे हमारे वो ये थे। भाई साहब, आपके परिवार में क्या क्या विरोध हुआ और क्या क्या आपने सहन किया, कैसे उनको मनाया फिर? कि रिएक्शन पहले क्या थी जब आपने बताया? बेसिकली हमने बताया ही नहीं था। मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे मालूम था कि रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा आएगा। और दूसरा रीजन ये था कि मेरा छोटा भाई भी है, तो जैसे अगर मैं बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके अगर शादी करता हूँ तो उसकी शादी पर फिर इम्पेक्ट ना हो। ठीक है, तो उसकी शादी हो गई, फिर हमने शादी करी, फिर आपने बताया उन्हें? फिर बताया। हाँ, फिर उन, तो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या? रिएक्शन उन्होंने बेसिकली पूरी तरह से ही रिजेक्ट कर दिया, और काफी बहुत ही लंबे टाइम तक हमारी बात ही नहीं हुई। जैसे मेरे फादर से तो अभी तक भी बात नहीं हुई है। अच्छा, वो इस शादी की वजह से? हाँ। अच्छा, वो अभी भी आपसे बात नहीं कर रहा? हाँ, फिर मम्मी से बात हुई है, दीदी से और छोटा भाई है उनसे बात हुई है, बट अभी तक मिले नहीं है शायद। आप दोनों में से रोमांटिक कौन है? पत्नी। दोनों में से कामचोर कौन है? पति। कामचोर है आप? हाँ। मैं बहुत स्लो, अपनी स्पीड से काम करता हूँ। हाँ। और उनको चाहिए कि अभी के अभी करो। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने बोला हो और नहीं हुआ हो, बस खाली मेरे टाइम पे नहीं होता है। तो काम चोर एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर काम धीरे धीरे करने वाला है। स्लो स्लो है, काम स्लो है। आप बताइए। पति यहाँ पे भी कैसे? सेम वैसे ही है, अगर मैं कुछ बोलूँ तो हाँ अभी सोना है, फिर उसको खींचेंगे, करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे, मतलब ऐसे टाल देते हैं। या कुछ अभी मैं अगर बर्तन घस रही हूँ, उनको बोला ना कि अभी चलो ये रख दो, तो अभी खाना खाए, अभी क्या करने की जरूरत है, बाद में करेंगे ना। अच्छा, आप दोनों में से खाता कौन ज्यादा है? कहाँ जाता है, दिखता तो नहीं है। इनसे ज्यादा खाता हूँ ना। हम दोनों में से ज्यादा ये खाते हैं। तो आप फिर भी इतने फिट कैसे हैं? प्लीज टिप्स देंगे? फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए। अच्छा, ऐसी चीजें आप ज्यादा खाते हैं? हाँ। चला हुआ हो जाए एक? नहीं, पावर तो आपका ज्यादा दिख रहा है। चलिए आप लोग बताइए। पति खाने के शौकीन है, कैसे, क्या क्या ज्यादा खाते हैं? वही जो बनाते हैं बेबी, जो भी बनाते हैं वही बस खा लेता हूँ, नहीं बोलता ही नहीं हूँ, जो भी आएगा थाली में खा लेता हूँ, मीठे का इसका बहुत शौक है खाने का। आप लोगों में से बेसुरा कौन है? आपको लगता है भाभी, इसका मतलब आप सुरीली हैं? आप सुरीली हैं तो हमें कैसे पता चले? गाइए कुछ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। वाव, देखिए हमें सुरों का इतना ज्ञान नहीं है, हम ऐसे तय तो नहीं कर पाते कि दोनों में से कौन अच्छा सिंगर है। इक्वल खराब है हम दोनों। हम डिप्लोमेटिक हो रहे थे भाभी जी, हमें पता चल रहा था। हम इक्वल खराब है, पर ये बोलते हैं मैं इनसे बेटर हूँ तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन लेकिन हमें एक बात जरूर पता चली कि आप दोनों में बेइंतहा प्यार है। वो बिल्कुल बिल्कुल है।
जी आप दोनों बताइए कौन बेसुरा है? बेसुरेपन का सबूत दीजिए। जब हम जहां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां पर याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। मैं झूठी नहीं बोल रहा कि हम जॉइंट कस्टडियन है, पर वो अभी मुझे मिलने भी नहीं देते, बात भी नहीं करने देते, काफी प्रॉब्लम चल रही है। पर जब भी वो आया हमारे पास तो वो इनके पास सोएगा, इनके पास कि मुझे पापा आप सुलाएंगे, आप स्टोरी करेंगे, वो दोनों की टीम रहेगी। तो इतना ज़्यादा प्यार, एक्सेप्टेंस प्रियांशु के लिए, मेरे बेटे के लिए। मेरा जब कस्टडी केस चला तो बहुत गंदगी मची, जैसे मेरे एक्स हस्बैंड रात को 2 बजे पुलिस लेके हमारे घर पे आए कि इसने किडनैप कर लिया है बेटे को, और बहुत सारी गंदगी फैलाई, बहुत समाज में भी बहुत सारा खराब बोला, मेरी सोसाइटी में भी बोला। पर और आज भी मेरे राइट्स है, कस्टडी डिग्री में लिखे हुए है कि मैं बात कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ, फिर भी वो बिंदास खुलेआम ईमेल पे लिख के बता रहे हैं कि मैं, मेरे पास फोन नहीं है। मिस्टर शर्मा जी, आइए हम कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं। चलिए जी। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां, जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बात ऐसी निकली तो, पर मैं इंसान भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। तो शर्माइन जी, अगर दिमाग स्वस्थ हो और इंसान के अंदर साहस हो, हर चीज आसान हो जाती है। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। हमने अक्सर सुना है कि पुनर्विवाह वाली शादियां वर्क नहीं करती हैं, उनमें बच्चे होते हैं, पर ये देखिए दो कमाल के फादर्स हैं हमारे साथ। इन्होंने अपने पत्नियों के पिछली शादी के बच्चों को इतने तरीके से अपनाया, मिसाल हैं आप, मिसाल हैं। कुल मिलाकर शर्माइन, मुद्दा ये है कि जिंदगी एक खेल है और उसे एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही खेलना चाहिए। अगले बर्तन पे लाइए। हाँ, 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 ये फली है कुछ। करेला या कड़वा? करेला। अभी हाँ, आइए राइट में, आइए राइट में, आइए। हाँ वो नींबू का शरबत बनाने की कोई मतलब नाम नहीं पता है, पर है, उसका कोई मिक्स लग रहा है जो बनाने का। टाटरी, टाटरी। हाँ। चलिए अगले पे आइए। अगले हाँ। ये तो वो चारकोल लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसा खाया भाई साहब, अच्छा लगा? हाँ राइट, हाँ हाँ बना लिया था। हाँ हाँ उनको भी ले दीजिए। ये कोई साबुन है? ये भी खाना पड़ेगा। नहीं आपकी मर्जी है। ये कोई क्रीम है, कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर या? ये क्रीम तो है, लेकिन आप फाइनल जवाब दे दीजिए तो हम आपको बताएं। शैम्पू, शैम्पू, शैम्पू लग रहा है। शैम्पू लग रहा है। ये कागज चिपकाने वाली कौन सी क्रीम होती है? छह में से चार सही जवाब। 1, 2, 3, 4 जी। वेरी गुड, वेरी गुड, नॉट बैड एट ऑल।
आइए भाई साहब, क्या बात है, गार्डन कैसा लगा हमारा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। आइए आइए। शर्माइन चलिए, ओके। हाँ, ये देखिए आप रहा, इस पहचानी क्या है? पाउडर है। कौन सी? अब सूंघिए, चखिए। सूंघिए। खट्टी स्मेल आ रही कुछ, वो फेस पैक, फेस पाउडर। फेस पाउडर, टेल मी अबाउट, वेरी गुड, मूव ऑन। आ सकते हैं? हाँ, अच्छे से खाइए। कड़वा है, करेला, करेला। वेरी गुड। अब आप, हाँ, आप ले लीजिए। ये साइट्रिक एसिड है। तो याद नहीं है, पर हम लोग सिस्टर लोग शेयरिंग करते थे। हाँ। क्योंकि हम लोग एक ही, मेरे 5 सिस्टर्स में से 2 बड़े हैं, तो हम लोग में एज डिफरेंस ज्यादा है। तो बीच में एक भाई भी आ रहा है, तो हम लोग 3 सिस्टर थे। हम लोग में कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा था, एक दूसरे का पहनते भी थे, जैकेट भी करते थे, मतलब ऐसे बाय दूसरा खरीदना ही नहीं पड़ता। ये नहीं हो रहा, ठीक है तुम उसका पहन लो यार। जी आप लोग बताइए, ऐसी चीजें बताइए जो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कभी आपने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। ऐसा है शर्मा जी, इच्छाएं तो धरी की धरी रह गई थी, अब कुछ सालों से हम लोग अब खुल के जीने लगे जी। अब थोड़ा सेटल हो गए लाइफ में। अब मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है और माँ भी है। तो शादी के पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी, जैसे बाहर होटलिंग करना, फिल्म देखने जाना, वेकेशन पे जाना? मैं तो आपका भी, मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती आपको बताने में कि मैंने मेरा पहला कपड़ा जॉब पे लगने के बाद सिला है। तब तक मैं दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनता। जो फैमिली इनकम था हमारा उस वक्त, तो 500 रुपये था। अब इसमें खाएंगे क्या, बच्चे पढ़ाई, बट मेरी माँ ने इंश्योर किया कि तीनों बच्चों के पढ़ाई पे कहीं पे भी कमी नहीं होनी चाहिए, और खाने पीने पे थोड़ा बहुत ध्यान देती थी। बट पढ़ाई के मामले में इनसे हो पाया, बिकॉज ही वाज लाइक 81% इन एसएससी। 20 इयर्स अगो अच्छा था, 25 इयर्स अगो पच्चीस साल पहले इनको 81% तभी मिला था। बहुत हो गया, तो उनको स्कॉलरशिप मिलते थे स्कूल से, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मेरी पूरी पढ़ाई स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप पे हुई। भाभी जी आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, घर में नौकर चाकर, गाड़ी वाड़ी कैसे, क्या था? गाड़ी था, वी हैड अ फोर व्हीलर, बट माय मम्मी तो एक हाउसवाइफ ही थी मेरी, तो नौकर भी थे, लेकिन खाना मम्मी के हाथ के ही खाते थे हमेशा ही। आपको शादी के पहले तो बहुत मींस एक आराम की जिंदगी थी, जितनी कठिनाइयों से ये गए हैं उतनी कठिनाइयां तो आपकी जिंदगी में जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। इट वाज अ कंफर्टेबल लाइफ, वेरी कंफर्टेबल। शादी के बाद ऐसी कौन सी चीजें थी जो बहुत बदली, जो आपको महसूस हुआ कि अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, कौन सी कठिनाइयां आई आपको? सबसे बड़ा कठिनाई तो वो विरार के ट्रेन में चढ़ना, एक लड़की जिसने कभी पहले ट्रेन देखा ही नहीं था, वो ट्रेन के धक्के खाना, वो एक्चुअली कैसे रहता था, इट वाज लाइक वॉर, जंग लगती थी हमारी ट्रेन में चढ़ने का मतलब। विरार से चढ़ते समय प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अंधेरी में आने के बाद जो ट्रेन रुकने के पहले हम लोग ऐसे खड़े रहते थे रेडी कि भाई अभी ट्रेन आ गया तो उसमें चलो उड़ी मारे, उसके पहले सब लोग सब लेडीज लाइक बोलना नहीं चाहिए लेकिन एनिमल्स के जैसे हम लोग सब ऐसे चढ़ जाते थे, फिर जाके वो ट्रैवल रहता था, 1.5 आवर का ट्रैवल रहता था। लोगों को ना, जो लोग ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते ना, उनको ये जो विरार की ट्रेन में जो होता है ना पागलपन, पता नहीं चलेगा, वो दिखाना पड़ेगा। और बोल, हाँ तो उनके वो हम दिखाते हैं पहले विरार की ट्रेन कैसी होती है। जी जी, ये देखिए विरार की ट्रेन कैसी होती है, ये देखिए। तो एक्टिविटी बड़ी सिंपल है, इसका नाम है 10 सेकंड चैलेंज। ओके, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, बजर दबाते ही आपको जवाब देना है 10 सेकंड के अंदर, वरना दूसरा बजर बज जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके रेडी? जी ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शर्मा जी मिस्टर एंड मिसेस मस्कर से। मिस्टर मस्कर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी 5 चीजें बताइए जो आपके वाइफ के पर्स में हमेशा रहती है। तो घर की चाबी, लिपस्टिक, और कंघी। 3 ही चीजें बता पाए आप, आगे नहीं जा पाए। ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही सही जवाब है, लिपस्टिक आपने कहा। घर की चाबी उन्होंने नहीं लिखा है, कोम्ब उन्होंने नहीं बताया था। जो चीज पर्स में होती है वो पैसे तो होती है भाई साहब। तो पैसे, लिपस्टिक, पेन, फोन और रुमाल। चलिए मिस्टर गुप्ता,
5 ऐसी जगह बताइए जहां आपकी पत्नी हमेशा जाना चाहती हैं। ये हिल स्टेशन में और बीचेस के वहाँ, और जहाँ मैं लेके चलूँ वहाँ हर जगह जाना चाहती है। क्या बताया आपने? अब याद नहीं आ रहा। हिल स्टेशन में और जहाँ मैं लेके जाना चाहता हूँ वहाँ जाना चाहेंगी। अमृतसर, दार्जिलिंग, नैनीताल, मनाली और लंबी लिस्ट होती जाती है। स्विट्जरलैंड तक पहुंच गई है राजस्थान। अच्छा मस्कर भाई साहब, 5 ऐसी चीजें बताइए जो आपकी वाइफ सुपरमार्केट से हमेशा खरीदती है। पहले तो आइसक्रीम, फिर बिस्किट्स, चॉकलेट्स। हाँ, उसके बाद टाइम मिला तो घर के लिए कुछ वेजिटेबल्स वगैरह या फिर ग्रोसरी वगैरह। सही जवाब। सारे दे दिए। सारे परफेक्ट दिए आपने। भाभी जी, आप ऐसी 5 फिल्मों के नाम बताइए जो आपने सिर्फ अपने पति के साथ देखी। पहले तो भूल गई जल्दी से। जो उन्होंने दिखाई। जो दिखाई नहीं, एक भी याद नहीं। ब्लैंक। जैसे ही सवाल पूछे ना, हाँ भाभी बताइए। भूल गई। तो यार तो ऐसे दिखाई जैसे अभी 50 पकड़ लिया। लीजिए। बार बार आके चाय पियोगे, चाय पियोगे? हाँ हाँ पीऊंगा, हाँ हाँ पीऊंगा। चाय पी के खत्म होने तक कप लेने आ जाती थी। मैं उठता था, रेडी ऑडी होता था, सब पूरा बेड बराबर कर देती थी। अब कभी आदत ही नहीं हुई तो अब अचानक कहाँ से आदत हो जाए। इधर दोनों कपल्स में एक बंदे को ज्यादा गुस्सा आता है, इधर मिस्टर जैन को और इधर मिसेज पांडे को। तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी खेल लेते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि आप इनको रेट कीजिए इनके गुस्से के ऊपर, और सिमिलरली आपकी तरफ भी 1 से 10 तक मार्क्स दीजिएगा। हम कुछ पूछेंगे आपसे, आप हर सवाल का एक जवाब रेटिंग में दीजिएगा। जी ठीक है। जब मेड नहीं आती है तब 10। जब आपकी वजह से इनका टीवी प्रोग्राम या मैच मिस हो जाए तब 10। जब आपसे कोई गलती दोबारा हो तब 8। ये 8 वाला गुस्सा कैसा होता है? ये होता है, प्लीज बताइए। दरवाजा जब जोर से बंद होगा, कौन से टेबल की चीज हिली उस हिसाब से गुस्सा। अगर 10 पे है तो वो दरवाजा ऐसे बंद होगा कि 8 फुट दूर टेबल पे कुछ हिल जाएगा। जब आप थोड़ा ज्यादा खर्च करें तब 9। जब इनके बनाए हुए प्लान्स पे पानी फिर जाता है तब 10। जब इनके गुस्से पर आपको गुस्सा आता है तब इन्हें कितना गुस्सा आता है? माइनस में जाता है। माइनस हो जाता है। क्यों, ऐसा कोई किस्सा है? पहले यही ड्राइव करती थी, जहां भी जाना आना कहीं पे भी। तो कहीं से हम लोग आ रहे थे रात में, शुरू थे बोले जा रहे हैं। अचानक से इनका गुस्सा इतना बढ़ गया, कार की स्पीड बढ़ गई, स्पीड में टर्न ले रहे हैं, तो मुझे भी तभी गुस्सा आ गया। तो मैंने हैंड ब्रेक लगा दी, तो हमारी 360 में कार ऐसे खड़ी हो गई। उसके बाद से कार ड्राइविंग में गुस्सा नहीं हुआ। मेरा तो गुस्सा मुझे सब गायब हो गया। तो सॉरी, नहीं चिल्लाऊंगी आज के बाद से। मिस्टर शर्मा जी, मिस्टर जैन का स्कोर पता है कितना हुआ है? कितना? 54। 54 पे एक सजा बनती है, 10 आपको पुशअप्स लगाने ही लगाने पड़ेंगे। पुशअप्स का एक एग्जांपल आप करके तो है ना। अरे मैं 10 कर रहा हूँ, आपका तो हक बनता है एक करना। मेरा हक क्या, मैं 10 लगा दूं? 10 लगा दूं? कोई बात नहीं, मैं 1 लगा देता हूँ। एट नाइन टेन। ओके, मुझे 1 करना है, मुझे 1 करना है। 10 करने हैं आपको? नहीं, 1 करना है। बिल्कुल फ्लैट तख्ता देखा ना, ये जो तोड़ते हो ना, वैसा होना चाहिए आपको। चलिए। हाँ हाँ सही बात है। भाई साहब बाहर मिलना। ये तो गुंडा भी है भाई। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 बस आ जाओ। अब ये रूल चालू करना पड़ेगा। अब ये रूल चालू करना पड़ेगा, इनको भी लागू होता है। मिसेस पांडे, इनका स्कोर तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह था, आपका भी कुछ कम नहीं है। आपका है 33। तो आपके लिए क्या किया जाए?
इन्हें ठंडा पानी पिला देते हैं शर्मा जी। अरे बिल्कुल सही बात कही आपने। ना? हाँ। प्लीज आप लाएंगे पानी? हाँ, लाता हूँ ना। थैंक यू। इन्हें पुशअप क्यों नहीं करा रहे? हाँ, जिम जाते हैं, सिटअप्स कराइए। जिम जाते हैं, जिम करके वापस आते हैं तो दोबारा गुस्से का कारण क्या होता है? आके इनको बताया जाता है कि आज मैं जिम गई थी, तुम भी चला करो मेरे साथ जिम, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये मुझसे पूछे क्या क्या किया, तो मैं इसको जैसे बताती हूँ कि आज मैंने 5 किलोमीटर्स जॉगिंग की, 20 क्रंचेस के 3 सेट्स मारे। 10 बजे उठ के बोलते हैं उसमें कैसे बड़ी बात है, वो तो वार्म अप है, कुछ होने वाला नहीं है। तो वापस अब गुस्सा आ जाता है। नहीं, उसे ठंडा करते हैं, पानी पिलाते हैं आपको। आप सजा भी आ जाइए, ये पानी पीजिए और गुस्सा ठंडा कर दीजिए। आप लीजिए लीजिए, वो दूसरे लाइए, मैं पकड़ता हूँ दूसरा पकड़। लाइए लाइए। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। कोई जब मुझे गुस्सा आएगा तो मुझे ऐसे पानी पिलाएंगे? बिकॉज इसे कहते हैं वाटर थेरेपी। खुद पिए तो ठीक है, इतने प्यार से अगर वो पिलाएंगे तो पीऊंगी। देखा, नेक्स्ट टाइम गुस्सा करेंगे ना तो पानी का ग्लास आगे कर दीजिए। मेरे मुंह पे पानी फेंक देंगे, ग्लास लगेगा अलग से। मैं आसपास भी नहीं जाऊंगा। आप दोनों में से जो भी गुस्सा करते हैं परिवार में, जब गुस्सा होता है तो बच्चों पर इसका क्या असर होता है? बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं। 6 साल की बच्ची है लेकिन उसको भी मेरी पिच से पता चल जाता है कि मैं आज गुस्से के मूड में हूँ या अच्छे मूड में हूँ। She just comes and hugs me. जब वो मुझे हग करती है तो ऑब्वियसली वो सारा गुस्सा पिघल जाता है। Okay, okay. आपके किस्से में ये जब गुस्सा होते है ना तो मुझे लगता है बच्चे घर में, मैं वो मूड कॉमेडी मूड बना देती हूँ। मेरा छोटा लड़का है जश, मैंने उसको बोला है ना, पापा जब भी गुस्सा होंगे ना तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन है अपने पास अभी टीवी, जो 5 साल हो गए पापा चेंज नहीं करे, अभी अपने को चेंज करना है ना। फिर बच्चे बोलते हैं पापा टीवी तोड़ो ना, पापा टीवी तोड़ो ना, नया टीवी आएगा। ऐसी पूरी प्लानिंग कर दी है कि गुस्सा आ रहा है अभी घर में, पिछले 4-6 महीने से चालू है, पापा टीवी पापा टीवी टीवी, तो शादी के बाद आप इमीडिएटली हाउस वाइफ बन गई या कहीं पे काम ज्वाइन किया? स्टार्टिंग में तो हाउस वाइफ मतलब 1 महीना तो बट ऑब्वियस वही सब देखा संभाला पूरा ठीक किया घर को भी। बाद में ऐसा था कि कुछ काम नहीं रहता था, करे भी तो क्या करे, उसी हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ करूँ मतलब। तो इन्होंने, इनका ट्रैवल एजेंसी तब से था ही पहले से ही, तो उन्होंने बोला जॉब तो नहीं करनी है, जॉब नहीं अलाउड कर रहे थे, पापा भी नहीं अलाउड कर रहे थे, ये भी नहीं अलाउड कर रहे थे, बोले मुझे ही हेल्प कर ले। अच्छा, हाँ मतलब एस्टैब्लिश मैंने किया और डेवलप इन्होंने किया। तो आप दोनों एक ही काम मिलकर करते हैं, ट्रैवल एजेंसी। आप बताइए आप लोग प्रोफेशनली क्या करते हैं? और मैं लेक्चरर हूं और ये भी लेक्चरर है, हम दोनों टीचिंग जॉब में हैं। एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं दोनों? एक ही स्कूल में हम दोनों पढ़ाते हैं। मतलब ये डिसाइड किया था कि एक ही जगह पे काम करना है या कोइंसिडेंटली हो गया? कि नहीं हो गया, एक्चुअली मैंने पहले ज्वाइन किया था, ये कहीं और कर रहे थे, तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बुलाया, बोला कि शक है अगर पहचान में कोई मैथ्स टीचर साइंस टीचर हो, तो मैंने बोला मैम मैथ्स टीचर आई नो, ही इज माय हस्बैंड, विल यू बी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम? तो शी सेड हाँ, जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म की बात है अगर आप वो फॉलो करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है आप एक बार मिल लीजिए। तो शी मेट एंड अब ये इतने ऊपर चले गए हैं कि उन नजर लगा दे तू, इनके बिना उनका कोई काम नहीं होता, मतलब कोई काम इन द सेंस कुछ आइडियाज चाहिए थॉट्स चाहिए वो इनको बुलाते हैं। कॉल आशीष, इस बात पे आपको गुस्सा आता है कि ये बहुत आगे चले गए? गुस्सा नहीं आता है, ऑफ कोर्स मैं बोलती हूं अरे अरे, जलन होती है। समझ में आता है मुझे। देखिए ये बड़ी सिंपल चीज करनी है आपको, हमारी भाभियां जो है वो इन दो टेबल के पीछे जाके खड़ी रहेंगी, भाभी जी बिना देखे एक प्लकड़ ऐसे सिर पे रखेंगी, भाई साहब आपको सामने से वो वर्ड देखना है और भाभी को समझाना है कि वो वर्ड क्या है, पर वर्ड नहीं बोलना है। तो भाभी रेडी? तो आइए सामने भाभी। तो हम शुरुआत करते हैं दुबे भाभी से। क्या दिखाने पर सब तालियां बजाते हैं? क्या दिखाने? बंदर मदारी क्या करते हैं? नचाता है? नहीं, बंदर मदारी क्या दिखाते हैं लोगों को? तमाशा। वेरी नाइस, वेरी गुड, आई लव यू यार। अब आपकी बारी। हाँ, बंदर का दूसरा वर्ड माकड़। और वर्ड दूसरी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। मथुरा में आपके पीछे कौन आया था? बंदर ही आया था। दूसरा वर्ड, बंदर का दूसरा वर्ड चाहिए। अंगूर, अंगूर के जैसे लंगूर। थैंक गॉड। चलिए
मुझे कोई भी चीज का क्या पेश करने को बोला जाता है? एग्जाम्पल. और क्या बोलते हैं हिंदी में? नमूना. चलिए भाभी जी, सामानी भाभी जी. तू कैसा है ये? बहुत बहुत बड़बड़ 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 करता है. बात तो नहीं. आप उस शब्द को तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं. सेकंड हाफ दो वर्ड का है. हाँ. और इसका इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा वर्ड बाल मुझे नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? गंजा. उसका इस गेम का नाम है प्यार का पर्वत. ये देख रहे हैं ना आप, आटे का पर्वत. ये जो आटे का पहाड़ है, फूंक मार के ये पहाड़ तोड़ना है और मुंह से वो निशानी उठानी है और अपने पार्टनर को देनी है. चलिए आइए. रेडी? रेडी है. हाथ नहीं लगाने हैं. 1 2 3 गो. आटा प्लेट से बाहर फूंकना है, भाभी जी के मुंह पे नहीं डालना है. तो आप उठा लो भाभी जी. वेरी गुड. तो आज के हमारे विनर्स और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस दुबे. शर्मा जी, चलिए तो हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को दूल्हा और दुल्हन की तरह सजाया जाए. चलो.